नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल खबरें। खबरें देखने से पहले हम आपसे एक विशेष अपील करेंगे। आप आज की खबर नंबर 4 में बेहद शर्मनाक हुए वाक्यों को देखेंगे जो समाज के लिए बेहद निंदनीय है। आप आज की स्पेशल खबरों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि खबर हर समाज और कानून के पुजारियों के पास तक पहुँच सके और उन्हें समाज का कुछ आईना नजर आए और उन्हें पता चल सके कि क्या इसी प्रकार विकसित हो रहा है भारत। भारत देश वास्तविकता में मानसिक विकास से अभी कितना दूर है। साथ में यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज कौन कौन सी खबरें होंगी उस पर नज़र डाल लेते हैं। खबर नंबर 1 होगी, ममता बनर्जी ने गठबंधन से झाड़ा पल्ला, कही बड़ी बड़ी बातें। खबर नंबर 2 होगी, दिल्ली के मायापुरी में सीलिंग के विरोध में हुआ बवाल, SDM समेत 15 सुरक्षाकर्मी हुए घायल, क्या आम आदमी इन्हीं पत्रों से करेगी राजनीति की शुरुआत। खबर नंबर 3 होगी, हेमा मालिनी के गेहूं का गट्ठर उठाने की पड़ताल, और भी देखें इसमें कि क्या इसमें हुई ड्रामेबाजी। खबर नंबर 4 होगी, दलित महिला का अंतिम संस्कार गांव के शमशान में करने से दबंगों ने रोका, ये आज के भारत की एक शर्मनाक करतूत है। वहीं खबर नंबर 5 होगी, आ गई रिपोर्ट ADR की, दूसरे चरण में आपराधिक पृष्ठभूमि के 251 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब आते हैं खबर नंबर 1 पर, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा के विरोध में बने महागठबंधन की दरार अब खाई का रूप लेती जा रही है। गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां पहले ही अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री गठबंधन की बड़ी नेता ममता बनर्जी ने एक विवादित बयान जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल के सिलगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता से अपील की कि वह लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPM को वोट ना दे। साथ ही ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की है कि वह कांग्रेस को भी अपना वोट देकर समय बर्बाद ना करे। उन्होंने रैली में मौजूद लोगों से कहा कि मैं पहले कांग्रेस में रही थी, वहां से परेशान होकर मैंने तृणमूल कांग्रेस बनाई। ममता बनर्जी के इस बयान को गठबंधन में चुनाव से पहले ही फूट के तौर पर देखा जा रहा है। अब आते हैं खबर नंबर 2 पर, राजधानी दिल्ली में सीलिंग फिर से लौट आई है। दिल्ली नगर निगम मायापुरी इलाके में कबाड़ की फैक्ट्रियों को सील करने में जुट गई है। ये एशिया की सबसे बड़ी जंक मार्केट मानी जाती है। यहाँ गाड़ियों को कबाड़ में खरीदा और बेचा जाता है। इन फैक्ट्रियों को NGT के आर्डर के आधार पर सील किया जा रहा है। करीब 850 ऐसी फैक्ट्रियाँ सील होनी हैं। दिल्ली के मायापुरी जंक मार्केट में सीलिंग के लिए पहुंची टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। टीम द्वारा सीलिंग की कार्रवाई शुरू होने के बाद वहां मौजूद लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव जमकर किया। पथराव में दिल्ली पुलिस की ACP और SDM समेत 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही पुलिस की एक गाड़ी समेत 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। भीड़ को उग्र होता देख सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान टीम ने 5 फैक्ट्रियों को सील किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो के जरिए लोगों की पहचान की जा रही है। इलाके में पुलिस बल तैनात किया जा चुका है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि लाठीचार्ज के साथ साथ सुरक्षाकर्मियों ने भी लोगों पर पत्थर बरसाए जिसमें कई लोग घायल हो गए। लोगों ने आरोप लगाया कि इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने गाड़ियों के शीशे भी तोड़े, मगर एक वीडियो अब राजनीति की वजह बन गया है। यहाँ हजारों व्यापारी इस सीलिंग ड्राइव का विरोध कर रहे हैं और सुरक्षा बल इन्हें भगाते दिख रहे हैं। शनिवार यानी 13 अप्रैल को न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें सुरक्षा बल व्यापारियों को खदेड़ते दिख रहे हैं, यहाँ पत्थर भी बरसाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इस वीडियो के क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, ये डरावना है, जनरल डायर मोदी की पुलिस मायापुरी में नागरिकों पर बेरहमी से पत्थर बरसा रही है। इस वीडियो में सुरक्षाकर्मी ईंट मारता है जो सामने भाग रहे एक सिख प्रदर्शनकारी के सिर पर लगती है। ये एक डरावना दृश्य है। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को बैठे बैठाए ये मुद्दा मिल गया। आपको बता दें कि दिल्ली में व्यापारी वर्ग पहले से ही इससे परेशान रहा है। इसी साल जनवरी में 6,307 प्रॉपर्टी सील हुई थी। अब आते हैं खबर नंबर 3 पर, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की सांसद और हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं, जो कि अपने चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा में काफ़ी बनी हुई है। बीते 31 मार्च को प्रचार अभियान शुरू करते हुए उन्होंने एक के बाद एक कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इनमें वे अपने संसदीय क्षेत्र की महिला किसानों के साथ दिख रही हैं। एक तस्वीर में उन्हें खेत में गेहूं काटते देखा जा सकता है तो एक में लकड़ियां ले जा रही ग्रामीण महिला के संग फोटो खिंचाते दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर एक बड़े तबके को हेमा मालिनी के प्रचार का यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। कई लोगों ने इसे मेहनती लेकिन गरीब ग्रामीण महिलाओं का अपमान बताया है। इन लोगों का सवाल है कि हेमा मालिनी को बताना चाहिए कि अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने कितना काम किया है, खासतौर पर किसानों का हाल पूछने के लिए वे कितनी बार मथुरा आई हैं।
भारतीय जनता पार्टी सांसद पर हमला करते हुए यह भी कहा जा रहा है, जबकि वे बिना छाते के धूप प्रचार नहीं कर सकती तो दिखावे के लिए कड़ी धूप में खेत में काम करती महिलाओं के साथ तस्वीरें क्यों खिंचवा रही हैं। हेमा मालिनी इन सवालों का जवाब अपने कामकाज का चिट्ठा देकर दे रही हैं। तमाम आलोचनाओं के बीच बीते मंगलवार को उन्होंने ट्विटर पर बताया कि 5 साल क्या किया है उन्होंने। दिलचस्प बात यह है कि उनके कामों की सूची में किसानों से जुड़े किसी काम का जिक्र नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि किसानों के साथ प्रतीकात्मक संवाद स्थापित करने का क्या मतलब है। अब आते हैं खबर नंबर 4 पर। हिमाचल प्रदेश के दलित परिवार को दबंगों ने शमशान घाट पर दलित महिला का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। मजबूर होकर दलित परिवार ने एक जंगल में मृतक महिला की अंत्येष्टि की। इस मामले के उजागर होने से एक बार फिर कुल्लू में बढ़ती जा रही जाति भेदभाव की वारदातों पर सवाल उठने लगे हैं। संवेदनहीन समाज का यह अमानवीय चेहरा हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में देखने को मिला। जाति भेदभाव के मामले कुल्लू में लगातार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर जाति भेदभाव मिटाने के दावे भी समय समय पर होते रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कागजी हैं। दरअसल कुल्लू जिला के मनाली चुनाव क्षेत्र के फोजल इलाके के धारा गाँव में एक दलित परिवार को उस समय पेचीदा हालत से गुजरना पड़ा जब उस परिवार की एक महिला की मौत के बाद दलित परिवार महिला के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले गया। लेकिन इलाके के ऊंची जाति के लोगों ने इसका विरोध किया और मृतक महिला का अंतिम संस्कार उस शमशान घाट पर नहीं होने दिया गया। छुआछूत का हवाला दिया गया और बाद में दलित समाज ने महिला का अंतिम संस्कार साथ लगने वाले जंगल के नाले में किया। स्थानीय नागरिक केयर सिंह, मेयरचंद, शिवराम और तोपराम ने बताया कि हुरंग पंचायत ने शमशान घाट सभी लोगों की सुविधा के लिए बनाया था। शमशान घाट में चिता जलाने के नाम पर छुआछूत करना सवर्ण समाज के लोगों की मानसिकता को जताता है। गौरतलब है कि कुल्लू में जातिगत भेदभाव के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते साल दुर्गम पंचायती सिली राजगीर के चेष्टा हाई स्कूल में जाति भेदभाव का मामला सामने आया था, जहां मिड डे मील को परोसने के दौरान अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ भेदभाव किया गया था। इसके अलावा एक कार्यक्रम के दौरान दलित युवक पर देवी देवताओं को चढ़ाए गए फूल गिरने पर उसकी पिटाई कर दी गई थी। वर्तमान भारत में ऐसे मामलों की दर्दस्तक 24 तीव्र निंदा करता है, साथ ही सरकार से ऐसे कृत्यों को करने वालों के लिए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की गुजारिश करता है। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो जमकर इसे शेयर करें और कानून के प्रत्येक रखवालों के पास पहुंचाएं, ताकि ऐसे मसलों का हल तुरंत हो सके। अब आते हैं अंतिम खबर पर, जो कि खबर नंबर 5 है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 251 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। इनमें 167 गंभीर आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार हैं। यह जानकारी नेशनल लोकसभा वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी EDR द्वारा 1590 उम्मीदवारों के हलफनामों के विश्लेषण से सामने आई है। ADR ने एक बयान में कहा कि गुरुवार को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए मैदान में 1644 उम्मीदवार हैं। 54 उम्मीदवारों के हलफनामे उपलब्ध न हो पाने के कारण उनका विश्लेषण नहीं किया जा सका है। वहीं दूसरे चरण के लिए 423 उम्मीदवारों ने 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है। इनमें ज़्यादातर कांग्रेस के 46 और भारतीय जनता पार्टी के 45 लोग हैं। आप देख रहे थे स्पेशल खबरें। हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।